आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मर्द को किसी औरत की मोहब्बत हासिल करने के लिए तीन चीजों की अशद जरूरत होती है जो हर औरत अपने मर्द में देखना चाहती है। औरत उस मर्द के साथ अजवाजी ताल्लुक बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है जिसमें ये खूबियां मौजूद हों। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो एक औरत अपने मर्द में देखना चाहती है। वीडियो के आगाज से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो खास एजुकेशनल पर्पज पर बनाई गई है, बराए मेहरबानी इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर वन, दौलत एक ऐसी चीज है जो हर औरत को मैग्नेट की तरह मर्द की तरफ खींच लेती है, फिर चाहे कितनी सख्त और बाहया औरत क्यों ना हो, दौलत के सामने बेबस हो जाती है और मर्द के साथ हम बिस्तरी करने के लिए तैयार भी। नंबर टू, अगर मर्द औरत को इज्जत और तवज्जो और प्यार देता है ना, तो औरत ऐसे मर्द के प्यार में जल्द गिरफ्तार हो जाती है और उस मर्द की दीवानी हो जाती है। औरत पूरी तरह से खुल जाती है अगर मर्द उसको तवज्जो देने लगता है। याद रखें फ्रेंड्स, औरत के चेहरे पे जितने भी रंग आते हैं ना, वो मर्द की वजह से ही आते हैं। कि औरत एक हमदर्द होती है और वो अपने लिए भी एक हमदर्द साथी की तलाश में होती है और वो चाहती है कि उसका दुख दर्द सुनने वाला कोई हो। नंबर थ्री, हफाजत सिर्फ जिस्मानी तहफ्फुज़ नहीं मांगती बल्कि ये है जज्बाती, माली और रूहानी तहफ्फुज़। एक औरत को खुश रखने के लिए सब बेहद जरूरी है। अगर एक आदमी कामयाब रिश्ता चाहता है ना, उसे उस औरत को तहफ्फुज़ देना होगा। यही वो तरीके हैं जिससे ताल्लुकात को कंट्रोल किया जा सकता है। रिश्ते में दोनों के रास्ते और मकसद एक होने चाहिए। याद रखें फ्रेंड्स, सिर्फ गले लगाने से काम नहीं बनता बल्कि जरूरी है उस औरत के दर्द का अजाला किया जाए और उसे तहफ्फुज़ दिया जाए, तभी आप उस औरत की नजर में एक पुरकशिश मर्द बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।